नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दखल की खबर का असर, जी हां, सबसे पहले दखल न्यूज पर इस बात का खुलासा हुआ था कि आला कमान ने भूपेश बघेल की जमानत के बाद उनके बयानों व समर्थकों के कारण उन्हें आड़े हाथों लिया था, जिस कारण बघेल का बीपी लो हुआ था और उन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सीडी कांड के ताजा तरीन खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं की क्लास लेंगे। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या है पूरी खबर, आलाकमान ने आड़े हाथों लिया है भूपेश बघेल को? जी, आपको बता दूं मैं कि जो घटनाक्रम चल रहा था सीडी कांड, इसके बाद जब ये सीडी का मसला बाहर आया है, इसके बाद से आला कमान लगातार नाराज चल रहा था। इसके बाद जो इन्होंने आभार जमानत नहीं लेने की बात कही, फिर जमानत ले ली गई, इसके बाद आभार रैली निकालने लगे, तो इन सबसे आला कमान शुरू से ही नाराज था। और आज ये खबर आई है कि पीएल पूनिया जी के निवास पर दिल्ली में एक बैठक चल रही है, जो मेरे ख्याल से बैठक या तो खत्म हो गई होगी या चल रही होगी अभी, और इसमें छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। और संभवतः अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए छत्तीसगढ़ में। हालांकि चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूपेश बघेल के जो अधिकार क्षेत्र था, जो पावर था, कहीं ना कहीं उसके कम होने के संकेत अब दिख रहे हैं। जी संजीव, सीडी कांड भूपेश बघेल के पीछे एक भूत की तरह पड़ गया है। भूपेश बघेल ने इसको कैश कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ता दिख रहा है उन पर। दरअसल देखिए, जो सीडी कांड एक जो राजेश मूलक का हुआ था वो इतना बड़ा इश्यू नहीं था। अभी हाल ही में पीएल पूनिया और भूपेश बघेल के बीच में एक तनातनी की इंटरनल स्थिति चल रही थी, जो बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अंदर में तनाव चल रहा था। और अभी एक फिरोज सिद्दीकी नाम के पत्रकार हैं रायपुर के, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें पीएल पूनिया की कोई सीडी है उसके बारे में बात चल रही है, और उस सीडी को भूपेश बघेल डिस्कस कर रहे हैं उसमें, यानी कि पीएल पूनिया के पर कतरने के लिए किसी सीडी का इस्तेमाल करने की बात वहां चल रही थी। वो सीडी है या नहीं, ये बात जो ये तो भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये संकेत ऊपर तक जरूर गए हैं कि कांग्रेस के नेता जो है आपस में ही एक दूसरे के पर कतर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि सीएल पूनिया को भी टारगेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, शुक्रिया। पार्टी के तीन वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं, वहीं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता सुबह रवाना होंगे। आलाकमान के एकाएक दिल्ली तलब किए जाने के कारण भूपेश विरोधी नेताओं के बीच खुशी का माहौल है, किंतु पार्टी के दिल्ली आलाकमान फिलहाल छत्तीसगढ़ नेतृत्व में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के मूड में नहीं है, किंतु नाराजगी जरूर देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी को समस्त अधिकार सौंपे जाने की जानकारी सामने आ रही है, मगर छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की स्वीकृति पर अंतिम मोहर आलाकमान की ही अब लगाएंगे। कांकेर में आज अमित शाह की सभा हुई, भीड़ दिखाने स्कूली बच्चों का सहारा लिया गया। शाह बोले, फिर भाजपा की सरकार बनी तो रमन सिंह ही होंगे मुख्यमंत्री, रमन सिंह के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। शाह ने सीडी कांड पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश में कांग्रेस के पास सीडी कांड वाला नेतृत्व है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के श्रम रोजगार मंत्री गोपाल राय आज पार्टी के भ्रष्टाचार भगाओ झाड़ू चलाओ यात्रा के तीसरे दिन जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान गोपाल राय ने पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद 90% लोग गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, जिसका कारण कांग्रेस व बीजेपी है। गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के मंत्री व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और जनता में इसको लेकर काफी आक्रोश है, और अब छत्तीसगढ़ की जनता भी परिवर्तन चाहती है। इससे पहले चुनावों में छत्तीसगढ़ की जनता के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार राज्य के पूरे 90 विधानसभा में आम आदमी पार्टी जनता के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी, और दिल्ली जैसे चमत्कार की बात करते हुए छत्तीसगढ़ में भी जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर चमत्कार दिखाएगी।
नारायणपुर जिले में कमांडर शोभी सहित 3 नक्सलियों ने समर्पण किया है। शोभी पर 15 लाख का जबकि नक्सली सुमित्रा पर 5 लाख का इनाम घोषित था। समर्पित इन नक्सलियों पर 27 पुलिस जवानों की हत्या सहित AK-47 जैसे हथियारों को लूटने का आरोप है। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। बस्तर में नक्सलवाद दम तोड़ता साफ नजर आ रहा है। हर दूसरे दिन किसी न किसी जिले में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार को उत्साहित करने वाली बात यह है कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं वे मिलिट्री कंपनी के मेंबर और कमांडर स्तर के हैं, जिनसे पुलिस को माओवादियों की जानकारी मिल रही है। जानकारी के कारण पुलिस फोर्स एक के बाद एक नक्सलगढ़ों और उनके कैंपों पर धावे बोलकर लगातार सफलता पा रही है। सुकमा जिले में नक्सलवादियों ने 12वीं के कक्षा के छात्र का अपहरण कर लिया है। नक्सलवादी जाते जाते PDS योजना की एक राशन से लदी गाड़ी में आग भी लगा गए। हालांकि ग्रामीणों ने आग को वक्त रहते बुझा दिया। बस्तर में नक्सलवादी आए दिन फोर्स अथवा पुलिस विभाग में काम करने वाले स्थानीय लोगों के परिजनों को निशाना बना रहे हैं। DRG में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के कारण नक्सलवादियों को बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है। नक्सलवादी कई बार उन्हें पुलिस की नौकरी छोड़ने का फरमान जारी कर चुके हैं। ऐसे फरमानों का कोई असर ना होता देख नक्सलवादियों ने इन जवानों पर दबाव बनाने, उनके परिजनों की हत्या और अपहरण कर प्रताड़ित करने का रास्ता अख्तियार किया है। छात्र का अपहरण भी इसी नीति का एक हिस्सा है। छात्र के सह परिजन सुकमा जिले के भेज्जी थाने में DRG के पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में जवानों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जवानों में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। जिला पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, साथ ही पुलिस ने नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने का भी दावा किया है। जवानों ने इलाके की सर्चिंग तेज कर दी है। जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग के लिए बुधवार की सुबह निकले थे। मकागुड़ा और मुलेर के जंगलों में जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ। अचानक नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सलियों को मार गिराया और नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जवानों ने मौके से एक 315 बोर पिस्टल, 4 बंदूकें और एक पाइप बम और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया है। विजेंद्र और जो स्मॉल एक्शन टीम कमांडर है अभी मोहन, उनकी टीमों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें पार्टी को मुठभेड़ के बाद सर्च करने पर 3 नक्सली जो पुरुष हैं उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी। साथ में उनको 6 हथियार मिले, जिनमें 4 भरमार हैं, एक 315 बोर की पिस्टल है और एक पाइप बम है। ये सारा सामान, बाकी और भी काफ़ी सारा सामान, पिट्टू और कुछ और भी इनको सामान मिला है, उसको लेकर हमारी पार्टी बढ़ी। उसके बाद में जब गांव वालों से इंटरेक्शन हुआ तो गांव वालों ने बताया कि जो 3 नक्सली मारे गए उनके सिवा 3 और नक्सली कार्डर उनके घायल हुए हैं, जिनको उन्होंने उठा के ले जाते हुए देखा है। उनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी को हम अपने सामने लेके भी आए हैं यहाँ पे साथ में, ताकि उसका बयान लिया जा सके। इस संबंध में एक नक्सली जो जिंदा पकड़ा गया है उसने भी ये बात बताई है कि कौन कौन पार्टी इसमें शामिल थी, बट घायलों के बारे में उसको जानकारी नहीं है क्योंकि वहाँ पर छुप गया था। इसमें छुपे हुए झाड़ी में से ही पकड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। इलेक्शन के मद्देनज़र हम मानते हैं कि ये क्षेत्र में थोड़ा स्टेबिलिटी कायम करने में हमको मदद करेगा। गाँव वालों ने जो हमको और एडिशनल जानकारी दी वो ये भी थी कि जस्ट एनकाउंटर के 1-1.5 दिन पहले ही DMA ने मीटिंग ली रात में, और उसमें मीटिंग में सबको धमकी दी थी कि जो भी वहाँ वोटिंग करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और वहाँ से उसने फिर राशन भी इकट्ठा करके वहाँ से चले जाए। इसी पार्टी को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी में नक्सलियों ने हमारे ऊपर एम्बुश किया था, जिसमें हमारी पार्टी ने थोड़ा सूझबूझ से और बहादुर से काम करते हुए उनके एम्बुश को विफल करते हुए उन्हीं को नुकसान पहुँचाया। और ये अभी तक इस क्षेत्र की जो केरलापाल एरिया कमेटी है उसमें हमारी सबसे बड़ी सफलता। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कृषि मंडियों में हो रहे घोटाले को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि किसान भोजन योजना के तहत सरकार द्वारा घोटाला किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि एक मंडी से लगभग 37,40,000 रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाले में सरकार के साथ मंडी बिचौलियों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सरकार घोटालों से घिरती नजर आ रही है।
भूपेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि शिवपुरी में शिवराज सिंह चौहान की यात्रा है और वहीं फिर एक किसान ने दाम के चलते आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस की माने तो अभी और घोटाले सामने आने की बात कही जा रही है। क्या है पूरी खबर पत्रकार वार्ता में भूपेंद्र गुप्ता ने और क्या आरोप लगाए हैं, फोन पर बात करते हैं हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। सत्यम, भूपेंद्र गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े आरोप लगाए हैं भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज पर, क्या क्या आरोप लगाए हैं? जी जी, मैं बताना चाहूंगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं शिवराज सरकार पर। उन्होंने कहा कि जो मंडियों में बिचौलिए हैं और जो सरकार है, दोनों मिलकर के आपस में बिन बांट के खा रहे हैं। जो किसानों को 5 रुपए का भोजन किसान भोजन योजना के तहत मिलता है, उस भोजन में भी शिवराज सरकार ने अपनी अपने हाथ आजमा लिए हैं। शिवराज सरकार ने जो भोजन किसानों को दिया जाता था 5 रुपए में, वो टोकन भी गैर टोकन दिए ही किसानों को बिल दिखाए गए, और जो मंडी कर्मचारी है और बिचौलिए हैं, उन्होंने 5 रुपए के टोकन को भी नहीं बख्शा, और उन्होंने 5 रुपए के टोकन ना देकर भी किसानों से जो पैसे थे उनके बिल लगाए, और बिल के द्वारा वो पैसे सरकार से निकलवा भी लिए हैं। और देखने वाली बात ये रही है कि जो सरकारी खजाना था उससे पैसे दिए भी गए हैं बिचौलियों को। जी सत्यम, चुनाव नजदीक आ रहा है और शिवराज सरकार कांग्रेसियों द्वारा लगाए हुए आरोपों से घिरती भी नजर आ रही है। जी, बात पहले भी इन्होंने चुनाव में कांग्रेस ने पहले भी ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आरोप ये सही भी साबित हो रहे हैं कि 524 जो मंडियां हैं प्रदेश में, उनमें से एक मंडी से, खाली एक मंडी से 37,40,000 रुपए का घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि एक छोटी मंडी है नरसिंहगढ़ की, एक छोटी मंडी के ही जांच पड़ताल भी सामने आया है। बाकी मध्य प्रदेश में अभी ऐसी 524 मंडियां हैं, तो लगभग करोड़ों का घोटाला होने की इसमें संभावना दिखाई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय अभी बना हुआ है, कांग्रेस के जो चुनाव के चलते सरकार पे बार बार किए जा रही है, उसको भी आगे चल के देखना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा। जी जी सत्यम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जांच का विषय है, शुक्रिया सत्यम। इटारसी में 28 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा में कांग्रेसियों पर हुए अन्याय के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पीपल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन के पश्चात राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इटारसी में जनआशीर्वाद यात्रा में सरकार के इशारे पर पुलिस ने कांग्रेसियों की पिटाई की, यह अन्याय है। काले झंडे दिखाकर विरोध करना कोई अपराध नहीं है। पिटाई में कई कांग्रेसी घायल हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि ऐसा करने वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की मनमानी के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधिवत व्यासपीठ की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कथा प्रारंभ आरती के दौरान एमआई की सदस्य श्री कृष्ण मोहन सोनी सहित गणमान्य नागरिक समाज से भी मौजूद थे। श्रीमद भागवत कथा में आचार्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि पितृपक्ष में वर्षा का होना पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है। पितृपक्ष में कोई तर्पण कर पाता है और कोई नहीं कर पाता, लेकिन इंद्र देवता ने आज सभी पितरों का तर्पण कर दिया है। यह शुभ संयोग है कि एक ओर इंद्र वर्षा कर रहे हैं तो दूसरी ओर यहाँ श्रीमद भागवत भक्ति की वर्षा हो रही है। आचार्य श्री ने कहा कि झूठ बोलने वालों की आयु कम होती है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति चरित्रवान होता है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत है, इसे अपने जीवन में पालन करें। मंदिर पर शिखर अवश्य होना चाहिए, उस शिखर पर ध्वजा भी होनी चाहिए। उस ध्वजा और शिखर के दर्शन करने से आपकी जयकार होती है। कन्यादान का जिस घर में सम्मान होता है उस घर में भगवान वास करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में।